अब तो ये जल्दी खत्म हो जाएगा मेडिवल वाला पार्ट। मतलब हेलो बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी ठीक है और लगातार अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। कितने बच्चे जुड़ गए हैं देखते हैं। अच्छा, आवाज आ रही है आपको? वीडियो दिख रहा है? आवाज आ रही है? ओके, चलो 1 मिनट और रुक जाते हैं, बच्चों को थोड़ा और लाइव आ जाने देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है? एक बार ग्रुप में डाल दो, क्लास लाइव है यार। बच्चों जो सो रहे रहते हैं नींद में, अभी 3:30 बजे का टाइम है, क्यों इस समय सबसे अच्छी नींद आती है दोपहर की नींद, तो उठाना भी तो पड़ेगा ना बच्चों को कि आ जाओ क्लास स्टार्ट हो गई है। तो एक मैसेज डाल दो, रिमाइंडर, पता चल जाएगा उनको कि हाँ अरे क्लास भी है। ये वाला टाइम थोड़ा सा वैसा हो जाता है ना, ना ढंग से सो पाते हैं ना ढंग से उठ पाते हैं। क्यों? गर्मी इतनी पड़ रही है। अगर घर में एसी है तब तो ठीक है, पता नहीं चलेगा क्या चल रहा है, पर अगर एसी नहीं है और उसमें भी अगर किसी का घर टॉप फ्लोर पर है, उसके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती होगी इस टाइम पर, है ना। वह ठीक है, थोड़े दिन की बात है, अब ठंड आने वाली है, विंटर इज कमिंग, यू नो फेमस डायलॉग, विंटर इज कमिंग। तब थोड़ा सा इजी हो जाएगा, तब ये टाइम आइडियल हो जाएगा पढ़ने के लिए। मीठी मीठी धूप रहेगी इस टाइम पे, मजा आएगा पढ़ने में। चलो अच्छा ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं अब। देखो बच्चों, कल हमने क्या करा था, एंशियंट इंडिया खत्म करा था और अर्ली मेडिवल इंडिया का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था। आज की जो क्लास रहेगी हमारी, देखो अर्ली मेडिवल में ना मुझे आपको कुछ पॉइंट्स समझाने हैं,
कुछ पॉइंट्स, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है जो अभी हम समझेंगे, उसके बाद जो चीजें रहेंगी ना वो फैक्चुअल डेटा जाता है अभी अर्ली मेडिवल में, ठीक है? तो बी रेडी टू गेट बम्बार्डेड विथ टन्स एंड टन्स ऑफ फैक्ट। क्या करें, क्या कर सकते मेडिवल में। मैंने देखो अभी आपको आगे बताऊंगा क्या, जैसे कल भी डिस्कस किया था, अरे 1200 से ज्यादा राज्य फॉर्म हुए, किंगडम, मोर देन 1200 किंगडम फॉर्मेशन। अब इतने राज्य अगर हैं तो आप सोच लो कितना डाटा होगा, कितने फैक्ट होंगे, और लिस्ट इतनी बड़ी होगी ना कि अपन कितना भी तैयार कर लें, अगर एक कहीं से छोटा सा राज्य आ गया ना तो पसीने छूट जाएंगे। खैर पर ठीक है, ये ना एक सिनेसिस्ट अप्रोच है, अगर मैं अगर हम इस तरीके से बात करते हैं कि यार इतना सारा सिलेबस है पढ़ने, इतने सारे किंगडम फॉर्मेशन हुए, एक काम करते कुछ नहीं पढ़ते क्योंकि एग्जामिनर तो कुछ भी पूछ लेगा, ये सिनेसिस्ट अप्रोच है। ऐसा नहीं, हमको ना यहाँ ऑप्टिमिस्ट रहना पड़ेगा। बच्चों एक बात याद रखना, ये जो एग्जाम है ना ऑप्टिमिज्म का खेल है, ये एग्जाम सिर्फ ऑप्टिमिस्ट लोगों के लिए है, क्योंकि ना लाइफ में आपको उतार चढ़ाव तो देखने पड़ेंगे। अब जैसे कि कभी कभार ये लक की बात रहती है कि एग्जामिनर ने कुछ हटके पूछ लिया या कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो एकदम लीस्ट इंपॉर्टेंट है, वरना यूजुअली जो पेपर मिलेगा आपको एक प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। यहां पर हमको हर चीज के लिए तैयार रहना है। तो हम प्रे करेंगे, होप करेंगे, ऑप्टिमिस्ट रहेंगे कि जो हम पढ़ रहे हैं अब, जैसे अर्ली मेडिवल में भी, मेडिवल में हम जो पढ़ने वाले हैं पेपर उसी के आसपास रहना चाहिए, क्योंकि हम सिलेबस के अराउंड ही पढ़ रहे हैं। हम पिछले जो 20 साल का ट्रेंड रहा है एग्जाम का, मेनली एमपीपीएससी का, उसके अराउंड सेंट्रिक हमारी स्टडी रहेगी। बट अब अगर कुछ इसके बाहर आया, फिंगर क्रॉस्ड, फिर भगवान का नाम है ना। क्या आई होप कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हम मैक्सिमम पॉसिबल कवर करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम माई साइड। अब कितना आप रिटेन कर रहे हो ये आपकी मेहनत है, ठीक है? अभी भी जैसे आप लोग जो आंसर देते हो, कंटेंट वाइज वेरी गुड कंटेंट, मुझे कंटेंट में दिक्कत नहीं लग रही है आपके, अच्छा लिख रहे हो, क्योंकि इतना कंटेंट अगर आप एक्चुअल एग्जाम में अगर लिख देते हो ना जितना आप आंसर में लिख के दे रहे हो, वेरी गुड, यू विल गेट गुड मार्क्स। अब यहाँ चैलेंज ये है कि इस कंटेंट को रिटेन करना, और एक चैलेंज ये है कि उसको थोड़ा सा अब आपको फाइन ट्यून करना, थोड़ी सी लैंग्वेज सेट करके जमाना। अब ये चीज ऐसी है ना, इसको कोई सिखा नहीं सकता, ये आपको फ्रेंकली बता रहा हूं क्लियरली। यहाँ ये वाली बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं होगी आपको यहाँ पर कि मीठी मीठी चाशनी में डूबे के आपको बातें करी जाए, जो बात है वो है, ये फैक्ट है। आंसर राइटिंग एक आर्ट है और आप रातों रात नहीं सीख सकते, कोई आपको नहीं सिखा सकता रातों रात, सिर्फ आप प्रैक्टिस से सीख सकते हो। भाई पेंटिंग है, जैसे मैं कितना अच्छा पेंटर रहूंगा पर अब आपका हाथ पकड़ के तो पेन चलवा नहीं पाऊंगा, अगर हाथ पकड़ के पेन चलवाऊंगा भी ना तो वो पेंटिंग नहीं बना पाओगे आप जैसी मैं बना रहा हूं, समझ रहे हो? जब तक आप खुद से उस चीज को ना सीखो, कोई भी चीज है आप किसी भी आर्ट को ले लो, तो आंसर राइटिंग भी एक आर्ट है, यहां पर आपको खुद से करना है। और आप लोग सही जा रहे हो, जो लोग आंसर रेगुलरली भेज रहे हैं वो सही ट्रैक पर है, और ये एक वार्निंग भी है जो लोग अभी तक प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, अभी तक जो सो रहे हैं, आपको अगर सिलेक्ट होना है कॉम्पिटिशन बहुत हाई है। आप ये देखो जिन्होंने आपके साथ कोर्स ज्वाइन करा है वो लोग तो आंसर भेज रहे हैं पर कुछ लोग नहीं भेज रहे हैं। ये तो सिर्फ एक सब्जेक्ट की, मैं अपने हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, अब आपको और भी सब्जेक्ट हैं। अब आपको ये देखना है आप वहां पर भी इतनी मेहनत कर रहे हो क्या, मार्जिन्स ऑफ एरर बहुत कम है बच्चों, हमारे पास बहुत कम है मार्जिन्स ऑफ एरर। तो जो लोग अच्छे से मेहनत कर रहे हैं वेरी वेरी गुड, और जो लोग नहीं कर रहे हैं, नाउ दिस इज अ वेकअप साइन उनके लिए, ये वेकअप साइन है। देखो हमारी भी अर्ली मेडिवल स्टार्ट हो गई है, आपको पता नहीं चलेगा कब मेडिवल भी खत्म हो जाएगी, और कोचिंग में आपका काफी सारा सिलेबस भी खत्म हो चुका है। अब आप, ये आपकी बारी है, अब मेहनत आपको करनी है, अब क्योंकि रिजल्ट चाहिए हमको। अगर आप एक कदम चलोगे ना तो आपके साथ हम 10 कदम चलने तैयार हैं हर फैकल्टी, बट एक कदम तो आपको लेना ही पड़ेगा। और ये हर बच्चे के लिए बोल रहा हूं मैं, सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं बोल रहा हूँ जो काफी सिंसियरली मेहनत कर रहे हैं, सभी के लिए, क्योंकि आप सभी कोचिंग में जैसे टीचर है, टीचर के लिए तो आप सारे बच्चे एक बराबर हैं हम लोग, और हम तो चाहते हैं जितने बच्चे हमसे जुड़े हैं वो सारे सिलेक्ट हों, मेहनत भी इसी तरीके से हो रही है। अब ये आपके ऊपर है, आपको सब रिसोर्सेज मिल रहे हैं यहाँ से, एक बेस्ट पॉसिबल आपको मटेरियल मिल रहा है, बेस्ट पॉसिबल आपको टीचिंग फैकल्टी मिल रही है, आप जुडिशियस यूज करना है आपको रिसोर्सेज का, ठीक है? और हम सबकी यही कोशिश रहेगी कि सिलेक्ट आप सभी हो एक साथ। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये यूटोपियन थॉट है,
भाई यूटोपियन थॉट है, चलो ठीक है अगर आपको ऐसा लग रहा है, बट मैं नहीं मानता। क्यों? क्योंकि जितनी सीट्स है ना, और हमारे पास जितने बच्चे एनरोल हैं, अगर सब बच्चे सिलेक्ट हो सकते हैं, अभी इतने बच्चे हैं, सीट्स इतनी भी कम नहीं है कि हमारी कोचिंग में जितने बच्चे हैं वो सारे सिलेक्ट ना हो पाए। और मेहनत टीचिंग फैकल्टी साइड से तो हो ही रही है, अब आपके ऊपर है। आपको एक्सपर्ट गाइडेंस भी है, जो आपको मटेरियल यहाँ मिल रहा है वो MPPSC रैंक 1 टॉपर संपदा सराफ मैम के गाइडेंस में ही मिल रहा है आपको। तो यहां से आपको पूरी कोशिश की जा रही है बेस्ट पॉसिबल रिसोर्सेस देने की। अब आपकी बारी है कि आप किस तरीके से उसको यूटिलाइज करते हो। याद रखना बच्चों, सेम पिच पर सचिन तेंदुलकर भी खेलता है, ठीक है, और उसी पिच पर बैटिंग करने फिर कोई लोअर ऑर्डर बैट्समैन भी आता है, संजय बांगर भी आता है, ठीक है। तो ये अब आपके ऊपर है, सेम बॉलर दोनों फेस कर रहे हैं। कल सेम पिच पे विराट कोहली ने भी खेला और सूर्य कुमार यादव ने भी खेला, कल का मैच देखा होगा। यू कैन सी द क्वालिटी, यू कैन सी द डिफरेंस। अगर एक टाइम के आप धुरंधर रहे भी हो ना कोहली टाइप के, तो अगर आपने मेहनत छोड़ दी, अगर आपका ध्यान हटा, तो फिर कोई आपसे आगे निकल जाएगा बच्चों। और ये जो अभी मेहनत कर रहा है उनके लिए भी ये चीज है कि अगर आपने ढील दी तो देखो कोहली को भी पीछे छोड़ दिया है लोगों ने। यू कैन सी। चलो अच्छा बहुत हो गया ये तो, आपको कुछ ओरिएंट करना था मुझे, इसलिए मैंने आज इतनी बात करी आपसे। एक नया टॉपिक भी स्टार्ट हो रहा है, ताकि अब आप लोग ना बकअप कर लो, एकदम तैयार हो जाओ, एक नए जोश के साथ स्टार्ट करो आप नया टॉपिक। और जो भी अब तैयारी है, आज का नया दिन है, नए दिन से फिर से स्टार्ट कर दो एकदम जीरो से, कि यार अब तो गजब मेहनत करनी है, टाइम एम्पल है आपके पास सिलेक्ट होना। चलो अर्ली मेडिवन में मैंने आपको क्या बोला, अगर हम एज चेंज कर रहे हैं हिस्ट्री में, जैसे अब हम एंशियंट से मेडिवल पर आए, या हमने जैसे क्या करा कलयुग वाली एज स्टार्ट करी थी, आफ्टर द मौर्यास पोस्ट मौर्यास कलयुग बोल दिया, तो ये सिग्निफिकेंट चेंजेस अगर हो रहे हैं आपकी सोसाइटी में, अगर सिग्निफिकेंट चेंजेस आपको डिफरेंट डिफरेंट स्फीयर्स में देखने मिल रहे हैं, तो आप उसको एक ऑल टुगेदर न्यू न्यू एज बोल देते हो हिस्ट्री में। हम भाई पेलियोलिथिक से मीजोलिथिक में आए, मीजोलिथिक से नियोलिथिक में आए, एक डिफरेंट डिफरेंट एजेस स्टार्ट हुई ना, क्योंकि देयर आर ग्रेट चेंजेस टेकिंग प्लेस। सेम यू विल सी हियर, अर्ली मेडिवल में वी हैव फ्यू ग्रेट चेंजेस आर टेकिंग प्लेस, वी हैव फ्यू ग्रेट चेंजेस दैट टुक प्लेस, दैट्स व्हाई वी कॉल इट अर्ली मेडिवल। नाउ टाइमलाइन, टाइमलाइन फॉर अर्ली मेडिवल 700 to 1200 AD, द चेंजेस दैट टुक प्लेस बिटवीन 700 to 1200 AD वी विल ग्रुप इट अंडर अर्ली मेडिवल। नाउ व्हाट ग्रेट चेंजेस टुक प्लेस, तो लेट्स गो बैक टू अवर यस्टरडेज क्लास, उसमें मैंने आपको बताया नंबर वन, नाउ द सिटी पाटलिपुत्र लॉस्ट इट्स प्रोमिनेंस, सिटी पाटलिपुत्र लॉस्ट इट्स प्रोमिनेंस, इट्स प्रेस्टीज एंड कुड नेवर रीगेन इट्स प्रेस्टीज। तो सिटी पाटलिपुत्र लॉस्ट इट्स इंपॉर्टेंस। अब भाई इसका इंपॉर्टेंस खत्म हुआ पाटलिपुत्र का, तो अब किसका स्टार्ट होगा, एक नई सिटी आई, द कैपिटल सिटी ऑफ हर्षा। ओके नाउ कैपिटल सिटी ऑफ हर्षा कन्नौज, नाउ कन्नौज रोज टू प्रोमिनेंस, वॉर स्टार्टेड फॉर द थ्रोन ऑफ कन्नौज, द ट्राइपार्टेड स्ट्रगल स्टार्टेड, ट्राइपार्टेड स्ट्रगल बिटवीन राष्ट्रकूटास, राष्ट्रकूटास फ्रॉम कर्नाटका, प्रतिहारा, प्रतिहारा फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड पालास ऑफ बंगाल, दीज आर द थ्री प्रोमिनेंट डायनेस्टीज विच फॉट फॉर द थ्रोन ऑफ कन्नौज। ये सब मैं आपको कल बता चुका हूं, अब यही चीज कंटिन्यूएशन में हम आगे पढ़ने वाले हैं कि भाई ट्राइपार्टिट स्ट्रगल स्टार्ट हो गई, ये तीनों डायनेस्टीज आपस में लड़ने लगी कन्नौज की राजगद्दी पर बैठने के लिए। इसका एंड रिजल्ट क्या निकला, अरे भाई अगर आपस में आप लड़ते रहोगे, पूरे टाइम आपस में लड़ रहे हो, आपके जो प्रीशियस रिसोर्सेस हैं उसको आप वॉर में वेस्ट कर रहे हो। एक सिटी है, बार बार वहां का रूलर चेंज हो रहा है, बार बार सिटी के आसपास लड़ाइयां हो रही हैं, बार बार उस सिटीज में कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो क्या होगा, अल्टीमेटली वो सिटी भी डिक्लाइन हो जाएगी और जो भी आपस में लड़ रहे हैं उनका भी डाउनफॉल तय है। द सेम हैपेंड हियर, मोर देन 200 इयर्स ऑफ स्ट्रगल, 200 साल तक ये लोग लड़ते रहे, मोर देन 200 ईयर्स ऑफ स्ट्रगल फाइनली लेड टू द डिक्लाइन ऑफ ऑल द थ्री डायनेस्टीज, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। बट यहां पर
जो डायनेस्टी सबसे मैक्सिमम टाइम तक सर्वाइव करी इन तीनों में वो कौन सी थी? वो थे राष्ट्रकूटास। दे सर्वाइव फॉर द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ टाइम, राष्ट्रकूटास। नाउ सो दिस इज द फर्स्ट ग्रेट चेंज दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस टाइम। नाउ सेकेंड पॉइंट दैट आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू यस्टरडे, सेकेंड पॉइंट इज व्हाट व्हाट वाज सेकेंड पॉइंट? यस, इट इज वाज द हेड ऑफ इंडियन फ्यूडलिज्म, हेड ऑफ इंडियन फ्यूडलिज्म। मोर देन 1200 किंगडम फॉर्मड। नाउ यू कैन इमेजिन, एक इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज बिग, ओके। अगर अपन बोल रहे हो, अगर आप वैसे देखो तो यस, इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज बिग, बट अगर आप उसमें अक्यूमुलेट कर लो 1200 किंगडम को, इफ यू वॉन्ट टू अक्यूमुलेट 1200 किंगडम डेट टू इन द नॉर्दर्न साइड, वट विल हैपन? तो छोटे छोटे से राज्य मिलेंगे आपको, बड़ी टेरिटरीज नहीं मिलेंगी। और जिसमें से जो तीन राज्य हैं, जो ट्राइपार्टी स्ट्रगल थी थ्री राज्यों के बीच में, ये काफी एरिया कवर कर लिया था इन्होंने इंडिया का। बचा कुछ एरिया बाकी के 1200 राज्यों ने कवर किया, तो यू कैन इमेजिन द स्मॉल स्मॉल किंगडम्स देयर, ओके। तो इट इज अ हेड ऑफ इंडियन फ्यूडलिज्म। अरे वही हुआ गुप्तास के टाइम पे, जो सामंत थे, महासमंत, अति समंत, बड़े बड़े ऑफिसर्स थे। आगे चल के भी पोस्ट गुप्तास में भी कुछ कुछ ये ट्रेडिशन फॉलो हुआ, और विच अल्टीमेटली लेड टू मैक्सिमम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, मैक्सिमम डिसेंट्रलाइजेशन। तो यहां फिर देखो आप, गुप्तास एज वॉज द एज ऑफ सेंट्रलाइजेशन, नाउ द हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। नाउ आफ्टर सेंट्रलाइजेशन व्हाट विल हैपन? डिसेंट्रलाइजेशन। अच्छा बच्चों एक और बात बताओ, यहां पर आप क्या सीख सकते हो? हिस्ट्री हम पढ़ते क्यों हैं? क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है व्हाई द सब्जेक्ट हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट? कैन एनीवन टेल मी, हिस्ट्री से हमें क्या सीखने मिलता है, हम पढ़ते क्यों हैं भाई? ऐसी क्या चीज है जिसके कारण इसको सिलेबस में ऐड किया गया और इतना इंपॉर्टेंस भी दिया गया? काफी वेटेज आता है एग्जाम में आपके हिस्ट्री का, और वेटेज तो ठीक है सिलेबस में, आई थिंक हिस्ट्री से बड़ा सिलेबस आपके पूरे एग्जाम में किसी का नहीं है, किसी सब्जेक्ट का नहीं है। हिस्ट्री इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट टेरिटरी, व्हाई? व्हाट इज द नीड? कैन एनीवन टेल मी? Yes, you all are right. Right. To draw experiences from past for the better present, very very good. And to learn about cultural values, good. Now you are getting the hang of subject, very good. मुझे अच्छा लगा ये देख के। Now you are starting to getting the hang of subject. अब आप चीजों को पकड़ रहे हो, नस पकड़नी चालू कर दी आपने। Very good, very very good. ये होती है बात। देखो जो मैं आपको सिखाने चाह रहा हूँ ना, अब आप ट्रैक पर आ रहे हो, मैं बोल रहा हूँ कुछ लोग तो ट्रैक पर चल रहे हो आप लोग, वेरी गुड। जैसे हिमांशु ने बोला वो टॉप पर रहता है, टॉप वेरी हॉट, टॉप ऑफ द बिल्डिंग बहुत हॉट है इस समय, एंड पर्टिकुलरली दिस टाइम। तो दिस इज व्हाट यू कैन कॉल इट, दिस इज योर यू नो तप, दिस इज योर मेडिटेशन, कि इसके बाद भी आप डेडिकेटेडली पढ़ रहे हो, जो भी बच्चे कर रहे हैं, ठीक है, आप क्लास में बैठ रहे हो, सुन रहे हो, आप अपने एफर्ट दे रहे हो, वेरी वेरी गुड। और ये इसका आपको रिजल्ट भी मिलेगा, आगे चल के फ्रूट तो मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप, जैसे आपने बोला टू ड्रॉ द एक्सपीरियंस फ्रॉम पास्ट और टू लर्न अवर कल्चरल वैल्यूज, यस एग्जैक्टली, दिस इज व्हाई वी आर रीडिंग दिस। इसको अगर इस तरीके से आप बोलो कि हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट अवर मिस्टेक, हिस्ट्री में आपको ये पता चलेगा कि आपसे गलती कहाँ हुई है, ताकि आप उस गलती को फ्यूचर में ना करो। टू लर्न फ्रॉम आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस, ठीक है, अगर आपको पता है, बिकॉज हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। यहां भी मैं आपको एग्जांपल्स यही बता रहा हूं, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन। ट्रेंड अगर आपने पकड़ा तो यू विल फाइंड दिस ट्रेंड थ्रू आउट द कोर्स, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। अब बात यही हो जाती है कि आप उससे सीख क्या रहे हो। हिस्ट्री आपको पढ़ाई इसलिए जा रही है कि चीजें जो हमने गलती अगर करी हैं तो वो नहीं करनी है, या जो कुछ अच्छी चीजें हुई हैं वो क्या हुई हैं, उनको कंटिन्यू करना है। दिस इज ऑल अबाउट दिस सब्जेक्ट।
आपकी जो कल्चरल वैल्यूज है, आपकी जो सोशल वैल्यूज है, उससे आप क्या सीख सकते हो. ओके, तो दिस इज द एसेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट एंड दैट्स व्हाई वी रीड दिस सब्जेक्ट. नथिंग टू एड मोर. वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन एंड वेरी वेरी गुड एक्सप्लेनेशन. ओके, नाउ वी मूव ऑन टू अवर टॉपिक. दो पॉइंट हमने देख लिए, ट्राइपार्टिट स्ट्रगल, ठीक है, सेकेंड हेयरडे ऑफ इंडियन फ्यूडलिज्म, नाउ मैक्सिमम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, व्हाट नेक्स्ट. थर्ड पॉइंट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अ न्यू कम्युनिटी इमर्ज्ड इन इंडिया, अ न्यू कम्युनिटी विच कॉल्ड देमसेल्फ राजपूत, राजपूतानास और राजपूत इमर्ज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. ओके, राजपूत की हिस्ट्री अगर आप देखने जाओगे, अ वेरी वेरी यू नो डोमिनेंट कास्ट इन मेडिवल इंडिया. ड्यूरिंग द मेडिवल इंडिया दे वर वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट कास्ट इन इंडियन सोसाइटी. वॉट अबाउट देयर हिस्ट्री? ठीक है, अगर आप उनकी हिस्ट्री की अगर हम चर्चा करेंगे राजपूत की, इसके पहले हमको राजपूत नहीं दिखे, अर्ली मेडिवल से ही हमको ये नई कास्ट निकल के आती है इंडियन सोसाइटी में. तो अगर आप चांद बरदाई वॉज कोर्ट पोएट ऑफ पृथ्वीराज, अभी आगे पढ़ेंगे हम पृथ्वीराज चौहान को, तो पृथ्वीराज चौहान के कोर्ट पोएट थे चांद बरदाई. अगर आप उनसे पूछने जाओगे हु वॉज राजपूत, तो चांद बरदाई साहब आपको बोलेंगे कि देवर अग्निकुल क्षत्रिय, अग्निकुल क्षत्रिय, अग्निकुल क्षत्रिय है मतलब वो एक सीक्रेट फायर, एक ओके एक रिचुअलिस्टिक फायर थी माउंट आबू पर. माउंट आबू पर्वत पर एक भगवान ने यज्ञ किया, आग लगाई, आग हुई, आग जलाई, एक रिचुअल्स हुए, कुछ सीक्रेट रिचुअल्स हुए, और उस रिचुअल से, उस अग्नि से राजपूत का जन्म हुआ. एंड देवर दी अग्निकुल क्षत्रिय, तो देवर क्षत्रिय है एंड दैट टू अग्निकुल. ओके, दैट वाज द थ्योरी ऑफ चांद बरदाई. नाउ अब इनको लेके भी काफी डिबेट हुआ कि आर दे रियली द अग्निकुल क्षत्रिय, ठीक है, क्या सच में देवर बॉर्न आउट ऑफ सीक्रेट फायर एट माउंट आबू. तो फिर एक ब्रिटिश हिस्टोरियन थे कर्नल टॉड. कर्नल टॉड ने काफी राजपूतों की हिस्ट्री को लेके पढ़ा, काफी रिसर्च करी, और उसके बाद उन्होंने एक बुक लिखी, द एनल्स ऑफ राजपूताना, द एनल्स ऑफ राजपूताना. उसमें उन्होंने आर्ग्यू करा, जो उन्होंने फेशियल फीचर्स देखे, एथनिक फीचर देखे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखे राजपूत के, उन्होंने उनकी हिस्ट्री को जो रिसर्च करा, उसके बाद उन्होंने कंक्लूड करा कि दे मस्ट बी फॉरेन रेसेस, दे मस्ट बी फॉरेन रेसेस, दे मस्ट बिलोंग टू सम फॉरेन कंट्री, दे केम हियर एंड सेटल्ड हियर. दैट वॉज द ऑब्जर्वेशन ऑफ कर्नल टॉड एंड इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड ऑब्जर्वेशन इन द हिस्ट्री सर्कल, बिकॉज यू सी द एथनिक फीचर्स ऑफ राजपूत. अरे आप में से अगर कोई राजपूत है जैसे, ठीक है, यू सी देयर एथनिक फीचर्स, देयर फेस, usually you will find जो राजपूत मिलेंगे आपको, you will find them strongly built, okay, fair skin, most of them, you know, some of them, not most of them, has blue eyes, okay, these were not the features of Indians, not local population features, okay, we Indians usually were, you know, dark skinned, ठीक है, medium stature. राजपूत की हाइट एवरेज से ज्यादा, फिजिक काफी अच्छी. ओके, अभी हम जब देखेंगे महाराणा प्रताप, महाराणा अमर सिंह, ठीक है, इस टाइप से, तब आप देखोगे महाराणा प्रताप अप्रोक्स सेवन, मोर देन 7 feet टॉल, राजपूत. ओके, तो देयर एथनिक फीचर्स वर वेरी 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 डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल इंडियन फीचर्स, इसलिए कर्नल टॉड ने कंक्लूड करा कि दे मस्ट बी फॉरेन रेसेस. ओके, तो हमारे पास ये दो थ्योरीज हैं फॉर द ओरिजिन ऑफ राजपूत, बट दे आर इंडियन, वेरी वेरी मच इंडियन, बिकॉज दे कॉन्स्टिट्यूटेड द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, राजपूत. ओके, अब क्या होता है, राजपूत कौन कौन है आजकल, अब ये ट्रेंड है, राजपूत वर डेफिनेटली क्षत्रिय, दे वर द फाइटिंग रेसेस, मार्शल रेसेस, राजपूत. बहुत देर वॉज अ लॉट लॉट of pride associated with Rajputana history. अब उसका result क्या निकलता है, end result?
काफी लोग अपने आप को राजपूत लिखने लगते हैं. यू विल फाइंड आज का जो ट्रेंड है, एवरीबडी स्टार्टिंग राइटिंग देमसेल्फ एज राजपूत, कंसिडरिंग देमसेल्फ एज राजपूत. बट कौन थे रियल राजपूत, कौन है? आप में से कोई है क्लास में राजपूत अभी? तो देखो, जो राजपूत है वो बेसिकली फोर सब क्लासेस या फोर कास्ट मिलके राजपूत बने हैं. ठीक, वो फोर कास्ट कौन कौन सी है? फोर कास्ट चौहान, नंबर वन चौहान, सेकंड प्रतिहार, जो ओरिजिनल राजपूत क्लैंस है वो है चौहान, प्रतिहार, परमार एंड सोलंकी. ये चार, सिर्फ चार. ओरिजिनली दीज आर द फोर ओरिजिनल राजपूत, चौहान, प्रतिहार, परमार एंड सोलंकी. ओके, इनके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे अभी इस चैप्टर में. तो नाउ अ न्यू कम्युनिटी इमर्ज्ड कॉल्ड देमसेल्फ राजपूत. व्हाट एल्स हैड हैपेंड? फोर्थ पॉइंट, नाउ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चेंज दैट टुक प्लेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चेंज फॉर द एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस टाइम 700 AD, अरब कंक्वेस्ट ऑफ सिंध. अरब का सिंध पर कब्जा करना, अरब कंक्वेस्ट ऑफ सिंध. क्या यू नो अ मेजर सिग्निफिकेंट इवेंट ऑफ दैट टाइम, अरब कंक्वेस्ट ऑफ सिंध. व्हाट हैपेंड हियर? यू नो अ न्यू रिलीजन, अ वेरी ग्रेट रिलीजन एंटर्ड इंडिया. और फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट एवरी रिलीजन इज ग्रेट. ठीक है, कोई भी रिलीजन कम नहीं है किसी से. तो नाउ वी हैव अ न्यू रिलीजन एंटरिंग इंडिया, दैट वॉज इस्लाम. ओके, सो नाउ इस्लाम एंटर्ड इंडिया. तो इस्लाम क्या है? व्हाट इज इस्लाम? क्वेश्चन ये उठता है. ऑल टुगेदर अ न्यू रिलीजन कमिंग टू इंडिया, इस्लाम. तो इस्लाम इज द रिलीजन इन विच द फॉलोअर्स वर कॉल्ड मुस्लिम्स. ओके, द फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम आर कॉल्ड मुस्लिम्स, एंड अ मुस्लिम इज द वन हु बिलीव्स इन हक. मुस्लिम इज द वन हु बिलीव्स इन हक मीन्स, मतलब क्या हुआ? हक मीन्स द क्रिएटर. तो द वन हु बिलीव्स इन इस्लाम, जो इस्लाम में विश्वास रखता है वो हक में विश्वास रखता है, क्रिएटर में विश्वास रखता है, हक द क्रिएटर. ओके, एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हक ऑन अर्थ इज कॉल्ड खलीफा. जो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है या जो अल्लाह का, अल्लाह द क्रिएटर, अल्लाह द हक, उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है धरती पर, उनको हम खलीफा बोलते हैं. तो दैट्स वाई द पोजिशन ऑफ खलीफा इज सो इम्पॉर्टेंट इन इस्लाम, बिकॉज खलीफा इज कंसिडर्ड टू बी द रिप्रेजेंटेटर ऑफ हक. क्लियर? नाउ वॉट सो ग्रेट अबाउट दिस रिलीजन? तो देर आर लॉट लॉट ऑफ ब्यूटिफुल थिंग्स अबाउट दिस दिस न्यू रिलीजन. भाई वेन यू विल स्टडी इस्लाम, यू विल फाइंड दैट इस्लाम प्रोहिबिटेड आइडल वर्शिप. इस्लाम डजंट बिलीव इन आइडल वर्शिप. इस्लाम मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता, जो मुस्लिम से मूर्ति पूजा नहीं करते. अब आप यू विल फाइंड द सिमिलैरिटी हियर विथ हिंदुइज्म. द सिमिलैरिटी विथ हिंदुइज्म इन व्हाट सेंस? देखो, इस्लाम डजंट बिलीव इन आइडल वर्शिप. नाउ यू गो टू उपनिषद. आप उपनिषद पढ़ोगे तो आप ये देखोगे, उपनिषद ऑल्सो डजंट रिकमेंड आइडल वर्शिप. उपनिषद भी मूर्ति पूजा को एडवोकेट नहीं करते हैं. उपनिषद द हाइएस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज. उपनिषद प्रोहिबिटेड आइडल वर्शिप. उपनिषद डजंट सपोर्ट आइडल वर्शिप. और फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट, उपनिषद आपको रिचुअल्स और सेरेमनीज के बारे में भी नहीं बोलती है, कि रिचुअल्स और सेरेमनीज भी अकॉर्डिंग टू उपनिषद काम की नहीं है, मीनिंगलेस. आइडल वर्शिप मीनिंगलेस. अकॉर्डिंग टू उपनिषद, गॉड इज निर्मया, निर्गुणा, निरंकार. अब सेम चीज गोज फॉर इस्लाम. आप ये देखो भाई, हमारा जो हिंदू धर्म है, द हिंदू रिलीजन एंड विथ गॉड इज निर्गुणा, निर्मया, निरंकार. ओके, गॉड इज फॉर्मलेस. भगवान का कोई आकार नहीं होता, कोई गुण नहीं होता. ठीक है, अब यू कम टू इस्लाम, जहां पर हिंदू धर्म खत्म होता है. द एंड ऑफ हिंदुइज्म इज द बिगिनिंग ऑफ इस्लाम. इस्लाम बिगिन विद दिस, गॉड इज निरामया, निर्गुणा, निरंकार. दैट्स वाई दे डोंट बिलीव इन आइडल वर्शिप. अरे भाई, आप बोल रहे हो
कि अगर गॉड का कोई आकार नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है, तो वाई आइडल वर्शिप? दैट्स वाई इस्लाम प्रोहिबिटेड आइडल वर्शिप। तो अब यूजुअली आजकल का माहौल क्या चल रहा है, लोग क्लैश ढूंढते हैं रिलीजन में, क्लैश। अब आप मुझे बताओ, वेयर इज द क्लैश बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम? एंड ऑफ हिंदुइज्म इज द बिगिनिंग ऑफ इस्लाम। भाई उपनिषद जहां खत्म होते हैं वहां से इस्लाम शुरू हो रहा है, वेयर इज द क्लैश? इन प्रिंसिपल देयर इज नो क्लैश बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम। हाँ, अगर आपको इंजीनियर करना है कोई क्लैश, दैट इज अप टू यू, बट इफ यू टॉक अबाउट प्रिंसिपल्स देन देयर इज नो क्लैश बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म। आई एम टेलिंग यू, प्लीज माइंड दिस। इफ यू आज का आप टाइम देखो, टाइम है रेडिकलाइजेशन का, चल रहा पोलराइजेशन का टाइम है। लोग को काफी इजीली अपने फायदे के लिए लोगों को यूज करा जाता है, गुमराह किया जाता है। आप उठा लो, क्लैशेस इंजीनियर्ड करे जाते हैं। अरे मैं आपको बता रहा हूँ, यू स्टडी इस्लाम, यू स्टडी हिंदुइज्म एंड शो मी द क्लैश, शो मी द क्लैश इन प्रिंसिपल, देयर इज नो क्लैश। ओके, तो आपको इन सब चीजों से बचना है बच्चों, इन सब चीजों को ना लॉजिकली सोचना है, अपना दिमाग लगा के सोचना है क्या चल रहा है माहौल, क्योंकि ये चल रहा है ब्रेन वॉशिंग का, पोलराइजेशन का। अरे आप लोग वैसे अगर कोई सोशल मीडिया पर अगर है, तो अगर आपने किसी एक पोस्ट को लाइक कर लिया, सोशल मीडिया है बिकम द इको चैम्बर्स एंड फिल्टर बबल्स। अगर आपने किसी एक चीज को लाइक कर दिया, किसी एक रेडिकलाइज पोस्ट को, किसी भी पोस्ट को, तो उसी से रिलेटेड आपको चीजें भर दी जाएगी आपके पोस्ट पर। अब अगली बार सपोज इफ यू लाइक द पोस्ट ऑफ एक्स पार्टी, तो उसकी आइडियोलॉजी आपके पूरे उसमें आने लगेगी पोस्ट में। तो इसके लिए बोला है इको चैम्बर्स और फिल्टर बबल्स, ये दिस इज वेरी डेंजरस। अब आपको क्या लगेगा, दुनिया में सिर्फ जो एक पर्टिकुलर पार्टी कर रही है, एक पर्टिकुलर पोस्ट जो आपने देख ली थी कभी, उससे रिलेटेड चीजें ही हो रही हैं और कुछ नहीं हो रहा है। तो इसको ये आगे, यही आपका आगे चल के ब्रेन वॉश करती हैं चीजें। तो यू हैव टू अप्लाई योर माइंड, ठीक है। और एक और चीज देखो, क्लास हम अटेंड कर रहे हैं ना, डेफिनेटली हमको सिलेक्ट होना है, बट एजुकेशन का एक और सबसे इंपॉर्टेंट मतलब है, वो है टू मेक अ बेटर ह्यूमन बींग। तो हमको ना इस क्लास से दोनों पर्पस सॉल्व करने हैं, हमको कल से एक बेहतर इंसान बनना है और हमको सिलेक्ट भी होना है। तो एक बेहतर इंसान अगर आपको बनना है, तो बच्चों याद रखना, कभी भी किसी भी रिलीजन की बुराई मत करना, कोई भी रिलीजन हो, एवरी रिलीजन इज ग्रेट। डोंट से योर रिलीजन इज सुपीरियर और माई रिलीजन इज सुपीरियर, एवरीबडी इज इक्वल। अरे भगवान में क्या कोई सुपीरियर इंफीरियर हो सकता है, टेल मी। ओके, तो देयर इज नो पॉइंट इन क्रिटिसाइजिंग एनी रिलीजन। अगर कुछ गलत हो रहा है, कहीं कुछ गलत होता है, तो वो गलती इंसान कर रहा है, रिलीजन नहीं कर रहा है। इंसान ने अपने मकसद के लिए लोगों को उस रिलीजन का अलग तरीके से मतलब समझाया, सिर्फ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, और इस पर क्लैशेस हो जाते हैं। तो ये गलती इंसान की, रिलीजन की नहीं है बच्चों। रिलीजन गलत नहीं है, हो ही नहीं सकता, अरे इतने सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। आप एक बात और याद रखना, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विसेज की तो तैयारी कर रहे हो आप, जो एग्जाम निकालना चाह रहे हो। अरे आप लोग सिविल सर्वेंट्स बन जाओगे, बन भी जाओगे, तो कितने बनोगे भाई? सिविल सर्वेंट्स कितने हैं पूरे स्टेट में, और फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट पूरे इंडिया में, चाहे आप एमपीपीएससी से सिलेक्ट हो रहे हो चाहे यूपीएससी से, हैंडफुल, मुट्ठी भर है। और पॉपुलेशन कितनी है, 130 करोड़। अब क्या एडमिनिस्ट्रेशन के पास दम है इतने लोगों को संभालने की? अगर लोगों ने अपना कंसाइंस खो दिया, लोगों ने अगर अपना जो बुद्धि विवेक अगर खो दिया, तो कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं संभाल सकता किसी को। नाउ रिलीजन प्लेज द इंपॉर्टेंट रोल हियर। एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रिलीजन बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए रिलीजन को आंख बंद करके क्रिटिसाइज मत करना, कोई भी रिलीजन हो। रिलीजन के कारण ही आज सोसाइटी में जो आप सुख शांति देख रहे हो ना, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा रिलीजन के कारण ही है। अरे लोग भगवान से ही डरते हैं, अपने रिलीजन ने जो उनको बांध रखा है, तो रिलीजन से जो उनका कंसाइंस आया है, उसके कारण ही लोग अपने लिमिट में रहते हैं। और अगर जब वो लोग लिमिट खोल देते हैं, तो आप छोड़ देते हैं वो लिमिट, अगर क्रॉस कर देते हैं, तो आप देखो क्राइम्स बढ़ जाते हैं सोसाइटी में। तो एक रिलीजन बहुत बड़ा फोर्स है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, इंसान की जो एनिमलिस्टिक बिहेवियर है उसको चेक करने के लिए। तो रिलीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पिरिचुअलिटी इज इंपॉर्टेंट। देखो आज की क्लास ना, आपको लग रहा होगा कि कुछ ज्यादा ही आज सर ज्ञान दे रहे हैं, बट यहाँ आपको चीजें समझाने की मुझे जरूरत है, इट इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि क्लास में, मैं फिर वही बोल रहा हूँ, क्लास में मैं सिर्फ
सिर्फ अकेला एक मोटिव नहीं है इस क्लास का सिलेक्शन, ठीक है, ये वाली चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। मैं काफी टाइम से ये सब चीजें आपको डिस्कस करने का सोच रहा था कि सोसाइटी में भी एक्चुअल चल क्या रहा है। इट इज दीज थिंग्स आर ऑल्सो द वेरी मच पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। अभी आप देखना, आप देखोगे तो आप ये देखोगे इंडियन सोसाइटी इज टॉलरेंट टू एवरी रिलीजन थ्रू आउट द हिस्ट्री। हमारा जो सोशल फैब्रिक है वो हमेशा से हड़प्पा के टाइम से क्या रहा है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, पीसफुल को एग्जिस्टेंस। हमने हर सोसाइटी को, इंडियंस ने हर रिलीजन को, हर रेस को वेलकम कराया हाथ खोल के। हमारा सोशल फैब्रिक ही ऐसा है, जो इंडिया में आया उसने इंडिया को अपना घर बसाया। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया। अरे इंडिया इसलिए तो महान है पूरे विश्व में, यू शो मी एनी अदर कंट्री इन दिस होल्ड वर्ल्ड जहां आपको सारे रिलीजन मिल जाएंगे। तो कहने की बात यह है कि आपको ना, पहली बात तो क्या, रिलीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी लिखने आता है, इवन पॉलिटी में भी, मैं आपको बोल रहा हूँ यू राइट दिस पॉइंट, रिलीजन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन, कोई गलत नहीं बोलेगा, बल्कि आपको एडिशनल मार्क्स मिलेंगे अगर आप ये वाले पॉइंट लिखते हो तो। बिकॉज यस, रिलीजन गाइड्स योर कॉन्साइंस। एंड आपको अगर एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथली चलना है ना, तो लोगों को अपना बुद्धि विवेक रखना पड़ेगा अपने पास, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के पास ना फोर्स ही नहीं है कि वो अगर लोगों ने अपना कंसाइंस खो दिया तो उनको हैंडल कर पाए। अरे जब रॉइट्स होते हैं तब क्या होता है, लोग पागल हो जाते हैं, लोग सब भूल जाते हैं, सारे चेक्स एंड बैलेंस खत्म हो जाते हैं। तब आप देखो एडमिनिस्ट्रेशन को कितनी दिक्कत होती है संभालने में, पर वो राइट्स भी कितने, पॉपुलेशन का 0.01% भी नहीं करते हैं, तब इतनी प्रॉब्लम हो जाती है। तो रिलीजन इज यू नो योर गाइडिंग फोर्स, और हर रिलीजन है वो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक रिलीजन है किसी के लिए गाइडिंग फोर्स। हर रिलीजन जो उसको फॉलोअर्स है उनके लिए वो गाइडिंग फोर्स है। तो रिलीजन इज वेरी वेरी सीक्रेट, बहुत पवित्र है। तो दूसरी चीज बच्चों, कभी भी किसी के भी फेथ का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि आप ये सोच लेना अगर आपके साथ ऐसा हो तो आपको कैसा लगेगा, अगर आपके फेथ का कोई मजाक उड़ा रहा है, कोई किसी का भी फेथ हो। बी टॉलरेंट, बी टॉलरेंट, टॉलरेट एवरीबडी। भाई लिबर्टी अगर आपके पास है तो वही पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा, आपकी लिबर्टी तब तक है, आपको हाथ फैलाने की लिबर्टी है, पर हाथ फैलाने की लिबर्टी कब तक है, जब तक कि आपका हाथ किसी दूसरे को टच नहीं कर रहा, ठीक है। अगर आप पंच भी कर रहे हो एयर में, तो जब तक आप किसी दूसरे को नहीं लग रहे हो तब तक आपकी ये लिबर्टी है, और जैसे ही अगर आप दूसरे तक पहुंच रही है आपकी हाथ, तो आपकी लिबर्टी वहां रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। और ये मोरालिटी भी सही है, इथिकली भी सही है। अरे अगर आपको अच्छा इंसान बनना है ना, तो सबसे पहले आपको टॉलरेंट होना पड़ेगा, फिर आपको एम्पथी होनी चाहिए आपको। अभी आप इथिक्स में पढ़ोगे ये सारी चीजें, हिस्ट्री इज वेरी मच कनेक्टेड विद एथिक्स ऑल्सो। अगर आपको एथिकल प्रिंसिपल समझने हैं तो आप हिस्ट्री से रिलेट भी कर सकते हो चीजों को। आपको टॉलरेंट होना पड़ेगा, एम्पैथी इनकलकेट करनी पड़ेगी, कंपैशन रखना पड़ेगा लोगों के लिए, भले ही कोई भी हो। कल को जाके आप इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठोगे, अब आप रिलीजन से ऊपर उठ जाओगे, अब आपके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है। तो आपको सब चीजें आनी चाहिए, आपको टॉलरेंस भी होना चाहिए, आप में एम्पैथी भी होनी चाहिए, आप में कंपैशन भी होना चाहिए, तब जाके आप अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा पाओगे। और इन जनरल भी अगर आपको लाइफ में आपके पास ये क्वालिटीज है ना, तो आप सुखी रहोगे, देखना आप कंटेंट रहोगे, लोगों के बीच पसंद किए जाओगे। महात्मा गांधी मैन ऑफ सेंचुरी, वाई? बिकॉज ही हैज दीज क्वालिटीज। उन्होंने दुनिया को बताया कि कैसे आप दुनिया जीत सकते हो। ओके, तो नाउ इस्लाम एंटर्ड इंडिया। अब यहां पर आप ये देखोगे, देयर वाज अ कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम। इस्लाम की काफी सारी जो बातें थी वो हिंदूज ने अडॉप्ट करी, हिंदूज की काफी सारी बातें थी जो इस्लाम ने अडॉप्ट करी, और हमको यहाँ पर भक्ति मूवमेंट मिलता है। इसका एंड रिजल्ट क्या निकला, भक्ति मूवमेंट इन हिंदुइज्म एंड सूफी मूवमेंट इन इस्लाम। शिरडी साईं बाबा, साईं बाबा क्या, साईं बाबा वॉज अ सूफी सेंट। ओके, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, भक्ति मूवमेंट में जब हम आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में और। बट नाउ तो सिग्निफिकेंट चेंज क्या हुआ, अरब्स, देखो बच्चों अरब्स जो थे ना, और एक बात और, अरब थे वो सेमेटिक्स थे। सेमेटिक्स मीन्स दोज हु वर्शिप द फोर्सेस ऑफ नेचर, जो नेचर की वर्शिप करते थे, सेमेटिसिज्म। जो बिलीफ्स थे, बिलीफ रिलीजन के पहले बिलीफ आया, बिलीफ सिस्टम आया, जैसे हमने हड़प्पा में भी देखा। अब बिलीफ सिस्टम क्या, अग्नि वर्शिप, हवा की वर्शिप, ठीक है, पेड़ों की वर्शिप, तो ये सेमेटिसिज्म है।
आप नेचर की जो फोर्सेस है उनकी वर्शिप कर रहे हो, ये पहले आया। उसके बाद फिर धीरे से रिलीजन इवॉल्व हुआ। अब अरब में भी यही था, अरब अरब जो थे पहले वो सेमाइट्स थे, वो जैसे हरप्पन्स जो थे नेचर वर्शिप करते थे, ऐसी अरब्स करते थे। ठीक, अब क्या हुआ, प्रॉफिट मोहम्मद आए, एंड प्रॉफिट मोहम्मद कन्वर्टेड अरब्स इनटू इस्लाम। नाउ अरब स्टार्टेड फॉलोइंग इस्लाम ऑन द एडवाइस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। तो अब क्या हुआ, नाउ इस्लाम एंटर्ड अरब। ठीक है, तो अरब्स बिकेम मुस्लिम्स। नाउ देन अरब्स केम टू इंडिया एंड दे प्रोपोगेटेड द रिलीजन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ओके, क्लियर। नाउ वी मूव ऑन टू प्रॉपर अवर प्रॉपर हेडिंग्स। ये तो हो गए चार जो बिग ग्रेट चेंजेस हुए। अगर आपको क्वेश्चन आता है, या आपको ऑब्जेक्टिव में भी हेल्प करेगा जो डाटा मैंने आपको बताया, और मेनली आंसर राइटिंग में क्वेश्चन आता है, तो आपको ये पॉइंट लिखना अर्ली मेडिवल में। ठीक, पूछ सकते हैं व्हाई अर्ली मेडिवल, या व्हाट आर द ग्रेट चेंजेस दैट टुक प्लेस इन अर्ली मेडिवल। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू प्रॉपर चैप्टर। वन मोर थिंग, द अरब्स जो अरेबियन सी है ना, अरेबियन सी को नाम अरेबियन सी भी अरब्स ने दिया है जब वो इंडिया आए। वाई अरेबियन सी? अरेबियन मतलब अमन, अरेबियन आया अमन से, अमन अमन मीन्स पीस। सी तो अरेबियन सी का मतलब क्या है, द सी ऑफ पीस, अमन का एक समुद्र, अमन का समुंदर। ठीक है, अमन पीस, तो अरेबियन सी मीन्स अमन और पीस। क्लियर, यहां तक कोई डाउट है क्या? ये चार पॉइंट समझ में आए, आगे बढ़े। ओके हाँ, देखो एक बुक आई थी द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में यही वाला पॉइंट लिखा गया है, यही वाली बातें करी गई थी कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर डिफरेंट, सो देयर इज अ क्लैश, बट आई डोंट एग्री विथ इट। और मैं आपको इस चीज को ना, अभी हम जब आगे मेडिवल हिस्ट्री हम पढ़ेंगे ना, तो ये मैं आपको प्रूफ भी करूंगा चीजों को कि दिस इज अ मिथ और दिस इज अ स्टीरियोटाइप दैट हिंदूज एंड मुस्लिम कांट एग्जिस्ट टुगेदर। अरे ब्रिटिशर्स ने जब रूल करा इंडिया पर, तो दोनों को इक्वली मार पड़ी है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम है, वी बोथ वर बीटन इक्वली, वी स्ट्रगल्ड इक्वली। भाई आपको आपको अगर अच्छे दिन में आप साथ हो ना, तो वो चीज आपको क्लोज नहीं करती है, पर अगर आप बुरा टाइम आपने साथ देखा है ना, यू बिकम क्लोज। ओके, वी विल डिस्कस दीज थिंग्स इन फ्यूचर ऑल्सो। धीरे धीरे आपको जब ये क्लासेस होंगी, तो आपको ये समझाऊंगा चीजों को कि ये जो ट्रेंड जो चल रहा है वो गलत है। इंडियन सोसाइटी इज टॉलरेंट टू एवरीबॉडी, जो भी इंडिया में आया सब मिलके रहे हैं, एंड दिस इज अवर यूनिक फीचर, दिस इज वॉट मेक्स अस इंडियन, वरना इंडियन आइडेंटिटी क्या है। ठीक है, आगे हम देखेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो अभी तो पॉइंट ये है कि वी हैव टू यूज अवर ब्रेन। ठीक, नाउ वी कम टू राष्ट्रकूटास। व्हाट अबाउट राष्ट्रकूटास? दे रूल्ड प्रेजेंट डे कर्नाटका रीजन। ठीक, अपर पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू को रूल करा राष्ट्रकूटास ने, और जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल थी उसमें भी सबसे लंबे समय तक जो सरवाइव करे वो कौन थे? राष्ट्रकूटास। ओके, नाउ देयर फर्स्ट कैपिटल सिटी वाज एलोरा और इलाचीपुरम। इलाचीपुरम वाज देयर फर्स्ट कैपिटल सिटी, एंड द सेकंड कैपिटल सिटी वाज मान्याकटक और मलखेड़। ठीक, एलोरा इज प्रेजेंट इन महाराष्ट्र। तो देयर फर्स्ट कैपिटल सिटी वॉज इलाचीपुरम एंड सेकेंड कैपिटल सिटी वॉज मान्याकटक। नाउ हु वॉज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटास? तो मैंने आपको बताया था दांती दुर्गा। दांती दुर्गा फाउंडेड द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, द सामंत ऑफ वेस्टर्न चालुक्यास। ओके, तो नाउ ही वॉज ही फाउंडेड द डायनेस्टी,
एंड कंस्ट्रक्टेड द फेमस दस अवतार टेम्पल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो हु बिल्ट द दस अवतार टेम्पल, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑब्जेक्टिव. देखो बच्चों, मेडिवल इस स्लाइड्स इन स्लाइड्स में आपको जितने भी टेम्पल्स के नाम मिलेंगे, ये जितना भी ये फैक्ट मिलेंगे ना, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है. कभी भी आपको इनमें से चीजें पूछी जा सकती है और पास्ट में पूछी भी गई हैं. तो यू हैव टू रिमेंबर दीस थिंग्स. ओके, तो दशावतार टेम्पल वॉज क्रिएटेड बाय दांती दुर्गा. नाउ कृष्णा वन, कृष्णा वन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ राष्ट्रकूतास. कृष्णा वन कंस्ट्रक्टेड द फेमस कैलाशनाथ टेम्पल एट अरोरा. अरे कैलाशनाथ टेम्पल वेरी ब्यूटीफुल, मैं आपको दिखाऊंगा कैलाशनाथ टेम्पल अभी. यू नो इट इज अ मार्वल, मार्वल ऑफ इंजीनियरिंग, वन ऑफ द इंजीनियरिंग मार्वल कैलाशनाथ टेम्पल. कार्व्ड आउट ऑफ सिंगल रॉक, एक सिंगल पहाड़ी को काट के मंदिर बनाया कैलाशनाथ टेम्पल. वेरी वेरी ब्यूटीफुल. अगर आपको कभी मौका मिले, यू गो एंड विजिट अजंता एंड अलोरा केव्स. यू नो दिस इज अवर ब्यूटी, दिस इज वॉट, दीज आर द थिंग्स दैट मेक्स इंडिया ग्रेट कंट्री. You won't believe your eyes when you see Ajanta and Ellora Caves, the beauty there. आपको बस पता होना चाहिए, आपको देखना किस तरीके से. वो मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से देखना है structures को, तब आप उसकी beauty appreciate करोगे. अरे आप उस time पर भी सोचो, 7th century AD, वो technology, single पहाड़ को काटा आपने और मंदिर बनाया. Very very beautiful. You will see here. तो कैलाशनाथ temple at Ellora. ठीक. Dhruva, the first great king. Why Dhruva the first great king? Can you, क्या बता सकते हो? Can you tell me why Dhruva was the first great king? Why? Because, और सबसे पहले उन्होंने क्या करा होगा? कन्नौज को कैप्चर करा होगा. भाई आपको अगर महान बनना है तो कन्नौज पे जाके कब्जा कर लो. जो भी कन्नौज की राजगद्दी पर बैठ गया वो महान हो गया. तीनों क्या कहते हैं डायनेस्टी में यही होने वाला है. तो Dhruva was the first great king. Okay. Now, Dhruva was the first great king of the dynasty as he conquered the Kannauj by defeating the Pratiharas and Palas. ठीक है. Now, Govinda III was another great. Why Govinda III was great? ठीक है. To occupy Kannauj. तो दो ruler हैं जिन्होंने Kannauj पे कब्जा करा था, Dhruva और Govinda III. Okay. ज्यादा कुछ समझाने वाली चीज नहीं है इसमें. Now, अमोघ वर्ष. Very very important. अमोघ वर्षा. You will find the name Amogh Varsha, one of the greatest or the greatest of the Rashtrakutas, Amogh Varsha. Amogh Varsha, the last great pattern of Jainism. ठीक, Rashtrakutas ने Jainism को काफी promote करा और उसमें Amogh Varsha was the last great pattern of Jainism. Okay? जब Jainism में division चल रहे थे, जब दिगंबर और श्वेतांबर अलग हो गए थे, तो Amogh Varsha ने एक आखिरी try करा इन दोनों ब्रांचेस को एक करके जैनिज्म को यूनिफाई करने का. ही एस्टैब्लिश्ड अ न्यू ऑर्डर कॉल्ड यापनाचार. यापनाचार फॉर प्रीचिंग एंड प्रमोटिंग जैनिज्म, जैनिज्म एज अ होल विदाउट एनी सब ब्रांचेस. ठीक है, बट इट फेल्ड, बट एटलीस्ट ही ट्राइड. अमोघ वर्षा द लास्ट ग्रेट पैटर्न ऑफ जैनिज्म. तो अमोघ वर्षा द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ राष्ट्रकूटास एंड द लास्ट पैटर्न ऑफ जैनिज्म. आफ्टर दैट जैनिज्म को कोई पैटर्न नहीं मिला, पैटर्न नहीं मिला. ठीक. नाउ व्हाट ग्रेट अमोघ वर्षा डिड. फर्स्ट तो ही एस्टैब्लिश्ड अ न्यू ऑर्डर कॉल्ड यापनाचार. सेकंड, ही हिमसेल्फ वाज अ ग्रेट स्कॉलर. ही हिमसेल्फ बीइंग द ग्रेट स्कॉलर. अभी तक देखो हमने जैसे सत्यवाहनास में हाला, किंग हाला को पढ़ा था, ही वाज अ ग्रेट स्कॉलर. नाउ इन पाश्चभूति डायनेस्टी हर्षा वाज अ ग्रेट स्कॉलर, ग्रेट स्कॉलरली किंग. नाउ हियर अमोघ वर्षा वाज अ ग्रेट स्कॉलरली किंग. ठीक है, ही रोड कविराज मार्गा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कविराज मार्गा फर्स्ट लिटरेचर इन कन्नड. कविराज मार्ग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो कविराज मार्ग इन कन्नड, कविराज मार्ग. तो ही वॉज यू नो एक्सपर्ट इन कन्नड, ही वॉज एक्सपर्ट इन संस्कृत. वेरी ग्रेट स्कॉलर. तो ही रोड कविराज मार्ग, हु अमोघ वर्ष एंड रत्नमालिका इन संस्कृत. These two books were written by Amogh Varsha. ये question आपको आ सकता है. Okay, you have to write this. Rashtrakuta. Now, what other great thing Rashtrakuta did? अब जैसे मैंने आपको बताया, when you see the Kailashnath Temple, okay, Indra Sabha, ये है. आप इनको देखोगे, these were the cave temples. तो they perfected the cave temple architecture. Now,
मैंने आपको क्या बोला था, जैनिज्म परफेक्टेड द केव टेम्पल आर्किटेक्चर. तो जैनिज्म हु गिव पेटरनेस टू जैन्स, राष्ट्रकूटास. ओके, व्हेन यू सी इंद्रसभा, इंद्रसभा अ वेरी फाइन एग्जांपल ऑफ जैन आर्किटेक्चर, इंद्रसभा. ओके, तो केव टेम्पल आर्किटेक्चर पेटर्नाइज्ड बाय राष्ट्रकूटास. तो राष्ट्रकूटास परफेक्टेड द केव टेम्पल आर्किटेक्चर बाय कंस्ट्रक्टिंग द केव टेम्पल्स लाइक इंद्रसभा, कोटा कैलाशा और कैलाशनाथ टेम्पल. ओके बच्चों, एक और चीज याद रखना. अरे यार, ये व्हाट हैपन, ये क्या हुआ? ये स्लाइड गड़बड़ कैसे हो गई? कोई बात नहीं, यहाँ दशावतार टेम्पल था यहाँ पर, जो कि अब दिख नहीं रहा है, और ये कैलाशनाथ टेम्पल था. कल दिखाता हूं. नाउ दिस इज इंद्रसभा, इंद्रसभा केव. यू सी जैन मूर्ति, जैन स्टैचू. दिस इज, ये सब सिंगल रॉक पर बनी. और बच्चों, एक सिंगल केव को काट के ये पूरा स्ट्रक्चर बना है, बहुत बड़ी है इंद्रसभा. तो नाउ यू अप्रिशिएट द ब्यूटी कि कैसे बनाया होगा. देयर वॉज अ लॉट लॉट ऑफ एक्सपर्टीज इन्वॉल्व हियर, लॉट लॉट ऑफ इंजीनियरिंग इन्वॉल्व. किस तरीके से आप पहाड़ को काटोगे, ये परफेक्ट कटे. यू सी द पिलर, इंट्रिकेट कार्विंग्स हियर, इंट्रिकेट कार्विंग्स. सिंपल स्ट्रक्चर ही नहीं बनाया आपने, इसको कार्व भी करा. यू सी हियर, सी द कार्विंग्स. सो दिस इज द ब्यूटी. एक बात और याद रखना, जो अजंता केव्स हैं, अजंता केव्स आर बुद्धिस्ट केव्स. ओके, एंड एलोरा वॉज मिक्स्ड. मतलब एलोरा केव्स में आपको बुद्धिज्म से, बुद्धिज्म आर्ट भी मिलेगी, बुद्धिस्ट आर्ट, जैन आर्ट और हिंदू आर्ट, तीनों मिलेंगी. तो एलोरा केव्स आर मिक्स्ड केव, बट अजंता केव्स आर बुद्धिस्ट केव. ओके, क्लियर? नाउ वी मूव ऑन. कल दिखाता हूं आपको कैलाशनाथ टेम्पल और दशावतार टेम्पल. नाउ प्रतिहारास. अब प्रतिहारास रूल्ड एमपी, प्रतिहारास रूल्ड एमपी. प्रतिहारास और परमार्स, ये दो डायनेस्टीज जो थी एमपी को रूल करा जिन्होंने, इनके बारे में ना आप एमपी हिस्ट्री में ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे. यहाँ हम सिर्फ ओवरऑल अगर इंडियन हिस्ट्री को देखेंगे तो जितना जरूरी होता है यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ. इससे ज्यादा डिटेल में आपको फिर एमपी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा इसकी, ठीक है? तो वो आप वहां पर डिटेल में पढ़ना. 1 मिनट. Now, प्रतिहार्स, प्रतिहार्स आर ऑल्सो कॉल्ड गुर्जर प्रतिहार. ओके, गुर्जर प्रतिहार, दे रूल्ड एमपी विद कैपिटल सिटी बिन्नाल. नाउ बिन्नाल और भीनिमल, भीनिमल प्रेजेंट इन राजस्थान. तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड गुर्जर प्रतिहार एंड दे रूल्ड एमपी विद कैपिटल सिटी भीनिमल. नाउ नागभट्ट वन, देखो छोटी छोटी चीजें याद करके आगे बढ़ना हमको. नागभट्ट वन वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी. कौन? नागभट्ट वन, बट मिहिर भोज. आप लोगों ने मिहिर भोज का नाम सुना होगा. राजा भोज अलग है, मिहिर भोज अलग है. मिहिर भोज वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द डायनेस्टी, मिहिर भोज. शेख सुलेमान एन अरब मर्चेंट विजिटेड द कोर्ट ऑफ भोज. ओके, तो ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल सकता है यहां से कि हु विजिटेड द मिहिर भोज कोर्ट. तो शेख सुलेमान विजिटेड द मिहिर भोज कोर्ट, एन अरब मर्चेंट. ठीक है, अब जो राजशेखर है, अनदर इंपॉर्टेंट कोर्ट पोएट ऑफ महेंद्र महेंद्र पाला, राजशेखरा, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. राजशेखरा वॉज अ कोर्ट पोएट ऑफ, राजशेखरा वॉज अ कोर्ट पोएट ऑफ महेंद्र पाला, ग्रैंड सन ऑफ भोज. मिहिर भोज ग्रेटेस्ट क्यों होंगे आप बता सकते हो? वाई मिहिर भोज वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ प्रतिहारास, प्रतिहारास ऑल्सो राजपूत. ओके, तो वाई ही वॉज द ग्रेट, वाई ही वॉज ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, रीजन क्या होगा बताओ? कंकेस्टेड, या ठीक है, वेरी गुड, रूल्ड कन्नौज. ठीक, गुड, सेम रीजन.
अगर कोई सबसे महान है, कन्नौज पे कब्जा कर लिया, नाउ उनके ग्रैंडसन आफ्टर मीर भोज महेंद्रपाल, महेंद्रपाल कोट पोएट राजशेखरा, राजशेखरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोट पोएट, राजशेखरा रोट कपूरा मंजरी, कर्पूरा मंजरी, कर्पूरा मंजरी एंड काव्य मीमांसा, दीज टू बुक्स, कर्पूरा मंजरी एंड काव्य मीमांसा पर रिटन बाय राजशेखरा। ये कुछ पॉइंट ही है इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ आप बातें कुछ आपको बताने लायक भी नहीं है ज्यादा। रायपाला, रायपाला और राज्यपाला वॉज द लास्ट रूलर ऑफ डायनेस्टी एंड किल्ड बाय, दिस इज इंपॉर्टेंट बच्चों। जब हम आगे अब आएंगे ना मेडिवल दिल्ली सल्तनत की, जब हम शुरुआत पढ़ेंगे उस समय आपको मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गोरी, दो दो बहुत फैसिनेटिंग कैरेक्टर है इंडियन मेडिवल हिस्ट्री के, मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गोरी, उनके बारे में बताऊंगा। तो यहां पर आप देखोगे दो नाम मिलेंगे आपको इंडियन नेम, एक राज्यपाल और एक विद्याधर। और यू नो विद्याधर, विद्याधर वॉज द किंग ऑफ चंदेलास, चंदेला डायनेस्टी के राजा थे विद्याधर, ठीक। विद्याधर चंदेलास कौन, जिन्होंने खजुराहो टेम्पल बनाया, एमपी में आप सभी ने चंदेलास का नाम सुना होगा। अब चंदेला जो थे वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेटेस्ट इंडियन किंग है, चंदेला के एक, चंदेला के कौन, विद्याधर, नॉट चंदेला, विद्याधर वॉज वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेट इंडियन किंग्स, वेरी वेरी एफिशियंट विद्याधर। तो क्या हुआ, जब मोहम्मद गजनी ने ठीक है उस पर अटैक किया, क्या कहते हैं फोर्ट कलिंजर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फोर्ट कलिंजर याद रखना ये, मोहम्मद गजनी ने जब फोर्ट कलिंजर पर अटैक करा तो पहले क्या हो गई थी बात कि राज्यपाला और विद्याधर दोनों मिलके अपन डिफेंड करेंगे अपने फोर्ट को, फोर्ट कलिंजर को। नाउ व्हाट राज्यपाल डिड, ही डिड अ कावर्डली एक्ट, ही रैन अवे, राज्यपाल रैन अवे फ्रॉम द बैटल, डर के भाग गया गजनी से राज्यपाल। नाउ विद्याधर गॉट फ्यूरियस, ही डिफीटेड मोहम्मद गजनी, ओके ही कन्विंसिंगली डिफीटेड मोहम्मद गजनी एंड नाउ ही किल्ड राज्यपाल फॉर हिज कावर्डली एक्ट। तो विद्याधर इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेटेस्ट इंडियन किंग, बिकॉज मोहम्मद गजनी जिसने अच्छे अच्छे राजाओं को हरा दिया, सिर्फ एक फोर्ट था जो मोहम्मद गजनी कभी कैप्चर नहीं कर पाया, वो था फोर्ट कलिंजर। ही नेवर सेट इज आईज ऑन दिस फोर्ट आफ्टर दैट डिफीट बिकॉज ऑफ विद्याधर, ओके। तो राज्यपाला द लास्ट ऑफ द प्रतिहारा वॉज वॉट किल्ड बाय विद्याधर ऑफ चंदेला इन 1018, ठीक। नाउ वॉट इज इंपॉर्टेंट अबाउट दिस डायनेस्टी प्रतिहारास, दे वर द ग्रेट पैटर्न्स ऑफ आर्ट आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर, ठीक है, दे प्रमोटेड द आर्ट आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर लिटरेचर, बट काफी स्पेसिमेंट्स अभी सर्वाइव नहीं कर रहा है उनके टाइम के प्रतिहारा डायनेस्टी के, जो उनकी आर्ट की भव्यता दिखाएं। बट एक है ग्वालियर फोर्ट में एक मंदिर है तेली का मंदिर, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया एग्जाम्पल में, तेली का मंदिर वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रीन ऑफ प्रतिहारा, बट यहां पर एक कैच है, जो तेली का मंदिर है उसका जो आर्किटेक्चर है वो द्रविड़ियन स्टाइल आर्किटेक्चर है, प्रॉपर द्रविड़ियन स्टाइल नहीं है क्योंकि वहां आपको गोपुरम वगैरह नहीं मिलेंगे, बट वहां पर आपको विमाना और जो मेकिंग है उसकी वो द्रविड़ियन स्टाइल है, समवॉट इट इज ऑफ द्रविड़ियन स्टाइल, बट इट वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रीन ऑफ प्रतिहारा, ओके तेली का मंदिर। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट इज पालास, थर्ड डायनेस्टी पाला, पाला पाला मैंने आपको क्या बताया था, कहाँ रूल करते हैं पाला, वेस्ट बंगाल, ओके। पाला रूल्ड वेस्ट बंगाल विद देयर कैपिटल सिटी एट मोंगेयार, ओके। पाला रूल्ड वेस्ट बंगाल विद देयर कैपिटल सिटी मोंगेयार। नाउ गोपाला वाज द फाउंडर, गोपाला वाज द फाउंडर एंड हियर सेम धर्मपाला वाज द ग्रेटेस्ट, धर्मपाला ग्रेटेस्ट बिकॉज कंकर्ड कन्नौज, ठीक। ही वाज द ओनली पाला किंग टू रूल कन्नौज, ओके विद द टाइटल उत्तरपथ स्वामी, उत्तरपथ स्वामी मीन्स लॉर्ड ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के स्वामी उत्तरपथ, उत्तरपद स्वामी, धर्मपाला टाइटल ऑफ धर्मपाला उत्तरपद स्वामी। एंड महीपाला वाज द लास्ट ग्रेट किंग, महीपाला ही वाज डिफीटेड बाय, देखो अभी हम चोला डायनेस्टी न्यू चोला डायनेस्टी पढ़ेंगे तो वहां भी आप ये नाम फिर से पढ़ोगे महीपाल, तो महीपाल वाज डिफीटेड बाय राजेंद्र चोला, अ वेरी वेरी ग्रेट चोला किंग राजेंद्र चोला। देखो एक राजेंद्र चोला और एक राजा राजा चोला, दे टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किंग इन
न्यू चोला डायनेस्टी. तो राजेंद्र चोला डिफीटेड महीपाला. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट पालास. नाउ नेक्स्ट इज सेना. ये छोटी छोटी डायनेस्टी है जिनके बारे में हमको पढ़ना है. ये तो थ्री प्रोमिनेंट डायनेस्टी पढ़ी. अब टोटल कितनी डायनेस्टी रूल कर रही थी उस समय इंडिया को? 1200. 1200 तो पढ़ना पॉसिबल नहीं है, पर कुछ कुछ डायनेस्टीज को हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो सेनास हुआ, इसके बाद चौहान्स हुआ, सोलंकी हुआ, ठीक, तोमर्स हुआ, ये सब हम पढ़ेंगे. ये अब कल की क्लास में देखते हैं, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं. ओके.